मदिरों के लिए समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन, हमारे साथ रजनी जी। करते हैं खबरों की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल पुलिस ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तारी की है। कोर्ट ने आरोपी को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। शाहजहां शेख वही आरोपी है जिसके समर्थकों ने 55 दिन पहले ईडी की टीम पर हमला किया था, लेकिन अब शाहजहां शेख को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। संदेश खाली मामले को लेकर लगातार सियासी पारा हाई है। बीजेपी के नेता ममता बनर्जी सरकार को घेरने में लगे हैं। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने संदेश खाली जाने से रोका तो जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। स्पीकर ने यह कार्रवाई दल बदल विरोधी कानून के तहत की है। स्पीकर के मुताबिक 6 विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश पर कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर विधायकों और मंत्रियों में नाराजगी है, इसलिए सुक्खू को सीएम पद से हटाने की सिफारिश की गई है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो पर्यवेक्षकों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही स्थिति साफ होगी। अवैध खनन मामले में सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा, अगर राजनीति में रहना है तो इन सब का सामना करना ही पड़ेगा। बीजेपी विधायकों को तो खरीद सकती है, लेकिन जनता को नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। टीम में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। वॉशिंगटन सुंदर रणजी मैच की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं, जबकि ध्रुव जुरेल का 5वें मैच में बतौर विकेट कीपर खेलना तय माना जा रहा है। धर्मशाला टेस्ट में भारत की कोशिश होगी कि सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया जाए। 1993 के अजमेर सीरियल ब्लास्ट केस में अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया। अजमेर की टाडा कोर्ट ने अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया है। टुंडा फिलहाल अजमेर की जेल में बंद है। 6 दिसंबर 1993 को ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा मुख्य आरोपी था। बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए शोभना यादव के साथ राजपथ। ज़ी न्यूज़।